मानता हूं सनातन धर्म के विषय में आपकी जानकारी ज्ञान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई आपके समक्ष खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन अब जब सारी चीजों से हमने ये सिद्ध कर दिया कि मांसाहार होता ही नहीं, तो कुछ लोग वेदों के मंत्र उठा करके ला रहे हैं, कुछ तथाकथित दलित लोग, कुछ ईसाई, कुछ मुस्लिम। वेदों का एक मंत्र बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि उसमें इंद्र जो भगवान है हिंदुओं का, वो गाय का, घोड़े आदि का इनका मांस खाता है। मंत्र कौन सा है? छठा मंडल ऋग्वेद का 17वां सूक्त, उसका पहला मंत्र। वो बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा कहा गया। मंत्र कौन सा है आपके नीचे दिख रहा होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप देख लेना इसका अर्थ क्या निकलता है। उन लोगों ने कहा कि भगवान जो हिंदुओं का है वो गाय का, घोड़े का, गधे का इनका मांस खाता है, इस मंत्र के अर्थ के अनुसार। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। परमपिता परमात्मा उन श्रेष्ठ धार्मिक और जिनके पास बल है, सामर्थ्य है, जिन्होंने गाय के घी आदि से अपने शरीर को, मन को पुष्ट किया है, उन लोगों को आज्ञा देता है कि हे पुरुषो, हे इंद्र, इंद्र कहते हैं जिसके पास सामर्थ्य हो, अनंत सामर्थ्य हो, धन संपदा हो, उसको इंद्र कहते हैं। हिंदू का भगवान नहीं इंद्र, मेरी वीडियो देख लेना 33 करोड़ देवताओं वाली, आपको पता चल जाएगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं हे इंद्र, अर्थात जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, शरीर में बल है और मानसिक रूप से जो मजबूत है, उनको कहते हैं सामान्य जनता को जो सताते हैं, जो सामान्य जनता में झूठ का प्रचार करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो शांति भाईचारे को भंग करना चाहते हैं, उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, उनका सर्वनाश कर दो। ये परमपिता परमात्मा वेद में आज्ञा देते हैं। इस मंत्र का अर्थ ये निकलता है। और ये क्या कह रहे हैं कि इंद्र गाय का, गधे का, घोड़े का मांस खाता है, अंतर दिख रहा है ना आपको। तो इसका जो ठीक ठीक अर्थ है वो इन दुष्टों पर ही अप्लाई होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। तभी इस संसार में शांति भाईचारा आएगा। गरीबी, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अनाचार, बलात्कार है, और लोगों को कोई भी मार करके निकल जाता, बच करके निकल जाता है, इनका एक ही समाधान है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर के ही नियमों का पालन होना चाहिए, तभी यह संसार ठीक ठीक रूप से उन्नति में आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा बहुत ज्यादा विनाश इस संसार का होगा। इसी प्रकार से समझना, जितने भी वेदों के जो मंत्र प्रचारित किए जाते हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं। एक उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है, यदि कोई भी वेदों में मांसाहार सिद्ध कर दे, राहुल आर्य तैयार बैठा हुआ है, कभी भी डिबेट के लिए आ जाना। और यदि तुम्हें वो व्यक्ति हो जो उन विदेशी, जो मैक्स मुलर है, जो कीत आदि है, जिन्होंने वैदिक संस्कृत का पता ही नहीं था, भाषा ही नहीं था, और इंग्लिश आदि अन्य भाषाओं में, या किसी ने जो है जिसको पता ही नहीं वैदिक संस्कृत के बारे में, और कोई भी आता है और हिंदी में वेदों के मंत्रों का अपना मन मर्जी का अर्थ करके निकल जाता है, उनकी यदि बातें लाते हो तो मान्य नहीं होंगी। आपको वीडियो